लेकिन आज वो लाला हरदौल घर घर में याद किए जाते हैं। कैसे लाला हरदौल? जब हमारे यहाँ कभी भी मांगलिक आयोजन होगा, कार्यक्रम होगा, तो हरदौल के चबूतरे पर बिना कांड चढ़ाए, ये मान्यता है बुंदेलखंड की कि लाला हरदौल के यहाँ पर कांड चढ़ा कर के आओ तो शादी ब्याह में कोई कमी नहीं रहने वाली है। आज इस प्रस्तुति के माध्यम से जिस तरीके से कोई चीकट की प्रस्तुति की गई, निश्चित रूप से भाव विभोर करने वाली थी कि हमारे बुंदेलखंडी लोक कला साहित्य को और एक बार पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, वो विलुप्त होती हुई परंपरा उसको आज पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है इस रंगमंच की प्रस्तुति के माध्यम से। तो आनंद की अनुभूतियाँ भिड़ ही यहाँ सभागार में कम लोग हों, फिर मेरा पूरा विश्वास है कि ये रंगमंच अब सदैव सहता रहेगा। हमारे कलाकारों को स्थान मिलता रहे, उनकी प्रतिभा का सम्मान होता रहे, इस सम्मान के वो पात्र हैं। निश्चित रूप से जहाँ एक ओर संस्कार भारती के माध्यम से डॉक्टर धनूलाल जी प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी ओर पटकथा लेखक डॉक्टर अखिलेश मिश्र बोधिसत्व जी ने बहुत प्रयास किया, उनके पुत्र डॉक्टर नितेंद्र जी ने, श्री संजय राष्ट्रवादी जी, जो सदैव समाज में हमारी लोक कला साहित्य इतिहास ये पुनर्जीवित बना रहे, से लोग याद करते रहे। हमारी पीढ़ियों तक यदि याद दिलाना है तो निश्चित रूप से आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी तो लोगों के ध्यान में नहीं थी, लेकिन हमारे पुरातन इतिहास को जानने का इस युवा पीढ़ी को भी अवसर प्राप्त हुआ। पहले हम लोग विद्यालयों में रंगमंच के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, प्रस्तुति के माध्यम से जहाँ एक ओर अपने भारत के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को पढ़ते पढ़ाते थे, वहीं दूसरी ओर अपने क्षेत्रीय इतिहास का भी लोगों को ज्ञान होता था। ये परंपरा फिर से विद्यालयों में पुनर्जीवित हो, ऐसा भी हम लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में महेंद्र वर्मा जी, सचिव साहब श्री चित्रा वर्मा जी, ऋषभ जैन साहब, नईम भाई, राष्ट्रपति पदक विजेता हम सबकी गौरव बहन नीति शास्त्री जी, श्री संजय पटवारी, हमारे सदगुरु आचार्य हेमयोग पाठक जी के साथ मंचासी, वो सभी कलाकार जिनके अनथक प्रयास से, परिश्रम से जिन्होंने कई दिन तक प्रयास किया होगा। हमारी बहन मधु पासी जी ने तो इतना शानदार रोल किया है कि हम बात वहाँ बैठे अपनी आँखों को नमाखों को पहुँच रहे थे, क्योंकि वो हमारा पुरातन इतिहास आज प्रस्तुत करके सचित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से ये पूरी टीम, इन्होंने भी ये मेहनत की है, पूरी टीम बधाई की पात्र है। हम सबके नाम नहीं ले पा रहे, वो अलग बात है, लेकिन मैं आप सभी को बहुत बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। वहाँ पर भी आए थे, कहाँ गए? अरे कुशवाहा जी तो साहब बहुत, हाँ ये तो यहाँ पर गणेश सत्संग भवन के माध्यम से लगातार कार्यक्रम करते हैं। पूरी हमारी संस्कार भारती सहित तर्कस लोक कला की पूरी टीम, मैं आप सभी को मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। आपको बहुत बधाई।